सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में वीर भगत सिंह जी के ऊपर कलर करने वाला हूँ और इस ड्रॉइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसको कलर करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स के ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले मैं ऑयल पेस्टल को कटर से शार्प कर ले रहा हूँ ताकि हम आसानी से डिटेलिंग कर पाए। तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ डार्क वैल्यू को देने के लिए। बेसिकली ऑयल पेस्टल से कलर करने के लिए डार्क टू लाइट वैल्यू तक जाना होता है, तो रिफरेंस वाटर को ऑब्जर्व करके जो भी मुझे डार्क एरियाज दिख रहे हैं वहाँ पर मैं ब्राउन कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ पर एकदम से डार्क एरियाज है लाइक आईब्रोज में, आईज में, वहाँ पर मैं ज़्यादा पेंसिल अप्लाई करके शेडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ पर मीडियम डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं हल्के हाथ से शेडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ पर एकदम से लाइट एरियाज है वहाँ पर मैं छोड़ के ही कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं अभी फुल फेस के ऊपर कलर कर लूँगा। तो देखो आप लोग अभी कहाँ पर मैं किस तरीके से सेटिंग कर रहा हूं। ओके, फेस के ऊपर ब्राउन कलर से शेडिंग हो गई है और अभी हैट के ऊपर भी ब्राउन कलर से ही शेडिंग करना है। तो हैट में थोड़ा बहुत जो भी हाइलाइटेड एरियाज है वहां पर हल्के हाथ से शेडिंग करना है और बाकी एरियाज में फुल पेसर अप्लाई कर सकते हो। ओके, अभी मैं फेस के ऊपर फ्लेस्टिन कलर का यूज़ कर रहा हूँ और इस कलर से एकदम से जो भी हाइलाइटेड एरियाज है उसको छोड़ के बाकी फुल एरियाज में मीडियम पेसर अप्लाई करते जाना है। बाकी आप लोग वीडियो में देखो मैं इस कलर से किस तरीके से शेडिंग किया हूँ। और अभी लिप्स में रेड कलर से शेडिंग कर लेना है और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखो, लाइट एरियाज को छोड़ के मैं शेडिंग किया हूँ। ओके, तो अभी जो भी हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के मैं शेडिंग किया था उसके ऊपर अभी सिंपली व्हाइट कलर से फुल पेसर के साथ शेडिंग कर लेना है। और हाँ, कलर को अच्छी तरीके से भरना है, कहीं पर भी लाइटली छोड़ना मत, नहीं तो इसके ऊपर ब्लेंडिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी रिफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डीप येलो कलर से शेडिंग कर रहा हूँ और पहले ब्राउन कलर से जिस तरीके से मैं शेडिंग किया था सेम उसी तरीके से डीप येलो कलर से भी शेडिंग कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग रिफरेंस फोटो को ध्यान से देखोगे तो देखना थोड़ा सा येलो सा इफेक्ट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर येलो से शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी शर्ट में भी सेम उसी तरीके से डार्क टू लाइट वैल्यू तक जाना है, तो डार्क वैल्यू को देने के लिए मैं यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ और जो भी लाइट एरियाज है उसको छोड़ के इस कलर से शेडिंग कर लेना है। और अभी फुल शर्ट के ऊपर ज्यादा पेसर अप्लाई करके व्हाइट कलर से सिंपली शेडिंग कर लेना है। ओके, शर्ट कलरिंग हो गई है और अभी हैट में जो भी हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के मैं शेडिंग किया था उसके ऊपर अभी डीप येलो कलर से शेडिंग करना है। और रिफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वर्मिलियन ह्यू कलर का भी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट लेयर में कलरिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा की तरह कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। बट आप लोग फटाफट से मत करना, एकदम आराम से करना है, ध्यान रखना स्ट्रोक की अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्लेंड करना है। ओके, ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है और अभी फेस के ऊपर थोड़ा और डार्क वैल्यू को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ और एकदम हल्के हाथ से शेडिंग करना है और इसको भी एक बार कॉटन बर्ड से हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है। तो बस फेस के ऊपर कलर करेक्शन, ब्लेंडिंग सब कुछ कंप्लीट हो गई है और अभी इसके ऊपर डिटेलिंग और डार्क वैल्यू को देने के लिए मैं यहाँ पर सॉफ्ट ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग जितना अच्छे तरीके से शेडिंग और डिटेलिंग करोगे उतना ही ये रियलिस्टिक बनेगी, तो जितना हो सके यहाँ पर टाइम ज्यादा देना।
और अभी हेड के ऊपर डार्क वैल्यू को देने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली ब्लैक कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, बट लाइट एरियाज को छोड़ के शेडिंग कर रहा हूँ। और इसके ऊपर भी अभी एक बार कॉटन बट से हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है। और अभी लाइट एरियाज के ऊपर व्हाइट से शेडिंग कर रहा हूँ और इसको भी एक बार कॉटन बट से ब्लेंड कर लेना है। और इसके बाद अगर कहीं पर भी डार्क वैल्यू चाहिए तो वहां पर आप लोग ब्लैक कलर से शेडिंग कर सकते हो। तो बस हेड भी कंप्लीट हो गई है। और अभी शर्ट के ऊपर डिटेलिंग और डार्क वैल्यू को देने के लिए यहाँ पर भी मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेडिंग करूंगा। और यहाँ पर मैं क्रॉस हैचिंग टेक्निक का यूज करके शेडिंग कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा आर्टिस्टिक लुक लगे। बाकी आप लोग नॉर्मल तरीके से भी शेडिंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, शर्ट भी कंप्लीट हो गई है। और अभी बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर फ्लैग की कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी कौन सी कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं नहीं बोलूँगा। बाकी देखो मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ। ओके, तो कलर से शेडिंग कर लेने के बाद इसको भी एक बार कॉटन बर्ड से राउंड राउंड करके ब्लेंडिंग कर लेना है। ओके, तो फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइस आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है। कुछ सीखने को मिला होगा तो एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।